हेलो एवरीवन, व्हाट्सएप में कुछ ऐसे फीचर्स ऐड किए गए हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है हर एक व्हाट्सएप यूज़र के लिए, बट अभी भी 90% व्हाट्सएप यूज़र को पता ही नहीं है ये फीचर्स के बारे में, जो 2022 में कौन से नए फीचर्स ऐड हुए हैं व्हाट्सएप के अंदर। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये फीचर्स, आपके पूरे लाइफ टाइम यूज़ में आने वाला है मेरे भाइयों, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे ये फीचर्स। तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे फीचर्स जो 2022 में आए हैं, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए इन फीचरों के बारे में। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं बताऊँगा डिटेल्स में जो क्या है नया फीचर्स, इसको यूज कैसे कर सकते हैं, आप लोग फायदे कैसे उठा सकते हैं इन फीचरों का। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे चलने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो यार, लाइक का टारगेट 1K, प्यारे सी फैमिली मेंबर है, वीडियो को लाइक जरूर करेगी। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। फीचर्स नंबर 1 दोस्तों, ये काफी ज्यादा यूजफुल लगा क्योंकि जो बिगिनर व्हाट्सएप यूजर होते हैं उनके व्हाट्सएप में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किसी और से मदद मांगते हैं या यूट्यूब पे जाके या गूगल पर सर्च मारते हैं, बट व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करके सही कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, ये नया अपडेट आया है कि आप लोग व्हाट्सएप से डायरेक्ट बात कर सकते हैं अगर आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आया है व्हाट्सएप के अंदर। तो कैसे बात कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आप लोग क्या करना पड़ेगा, 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे हेल्प का ऑप्शन दिख रहा होगा, हेल्प में जाना है। पहले क्या करना पड़ता था, मेल करना पड़ता था जो मेल का रिप्लाई नहीं आता था, बट आप लोग डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कॉन्टैक्ट यूज, ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरे को डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा व्हाट्सएप के ग्रुप में जो व्हाट्सएप के मेंबर्स बैठे होंगे जहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए दोस्तों। उसके बाद मेरे भाइयों यहाँ पे आपको प्रॉब्लम लिखना है कि आपका क्या व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, स्टेटस नहीं देख पा रहे या व्हाट्सएप बैन हो गया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। तो आप लोग डायरेक्ट यहां पे वो प्रॉब्लम टाइप कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पे कुछ भी प्रॉब्लम्स लिख दूंगा, ठीक है, जैसे कि मैं कुछ भी प्रॉब्लम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग इनके रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक व्हाट्सएप के ग्रुप में जिनके यहाँ पे मेंबर्स बैठे होंगे। उससे पहले देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप सपोर्ट को, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे टैप कर देंगे। टैप करने के बाद मेरे भाइयों अब देखिए हमारा ये ग्रुप में रिडायरेक्ट हो गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक व्यक्ति जो भी व्हाट्सएप की तरफ से रखा गया वो हमसे बात कर रहा है कि भैया बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या हेल्प कर सकते हैं हम आपकी। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश किसी में भी बात कर सकते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप मैनेजर से, मतलब आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व सिर्फ व्हाट्सएप से ही कर सकते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। आप लोग इसका इस्तेमाल जरूर करें कभी अगर आपके कोई व्हाट्सएप में प्रॉब्लम आ रहा है तो, अगर कोई आपका व्हाट्सएप मतलब हैक भी करने की कोशिश कर रहा है तो भी आप लोग व्हाट्सएप से जाकर बात कर सकते हैं। फीचर्स नंबर 2 दोस्तों, ये व्हाट्सएप के फीचर बहुतों में मिल चुका है, बहुतों में अभी मिलना बाकी है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिए व्हाट्सएप को अपडेट करके प्ले स्टोर से, क्या पता आपको भी मिल जाए। क्या करना है, 3 डॉट पे जाना है, उसके बाद आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद चैट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, चैट्स में जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पे एक दिख रहा होगा चैट बैकअप, ठीक है, तो आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप ऑफ। ये क्या होता है दोस्तों एंड टू एंड, पहले मैं बता दूं डिटेल्स में दोस्तों, ये क्या होता है कि कई बार कि हम बैकअप ले रहे हैं वो व्हाट्सएप के पास रहता है बैकअप कि वह हमने क्या बैकअप लिया व्हाट्सएप, मतलब कभी भी कोई भी हमारा मैसेज लीक कर सकता है व्हाट्सएप। बट प्राइवेसी के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा फीचर्स आया है कि व्हाट्सएप उन सभी मैसेज को डिलीट कर देगा जिसको हमने बैकअप लिया है, मतलब हमारे पास बैकअप आने के बाद उस मैसेज का कोई भी नहीं देख सकता, व्हाट्सएप भी नहीं देख सकता। बहुत ही अच्छा चीज है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, मतलब हमने बैकअप लिया उसके बाद वो मैसेज डिलीट हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पे टैप करने के बाद टर्न ऑन करना है, टर्न ऑन के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। पासवर्ड क्रिएट करने से क्या होगा कि देखिए मैंने कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लिया, ठीक है, मैं यहाँ पे 1111 कोई भी आपको यहाँ पे 6 डिजिट का पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद जब भी आपका फोन खो जाएगा या व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करोगे वहां पे बैकअप मांगता है कि आप बैकअप लेना चाहते हो, मतलब व्हाट्सएप का पुराना चीज है, तो आपको वहां पे पासवर्ड डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपका बैकअप नहीं हो पाएगा। बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा, कोई भी आपका नंबर का गलत फायदा ना उठा पाए। तो ये फीचर मुझे बहुत ही ज्यादा पर्सनल यूज के लिए बहुत ही अच्छा लगा फीचर दोस्तों। अगर ये फीचर अच्छा लगा हो आपको भी तो एक लाइक तो बनती है, वीडियो को लाइक कर दो यार। फीचर नंबर 3 जो हाल ही फिलहाल में आया व्हाट्सएप में 2022 में दोस्तों, क्या होता है कई बार हमें बिलीव नहीं होता कि हम किसी से चैट कर रहे तो हमें ब्लैकमेल ना करे, कभी आगे जाके बहुत सारी बहनों के लिए होता है, भाइयों के लिए भी होता है कि कोई भी कोई उनसे ब्लैकमेल करता है तो जिस पे हमें विश्वास नहीं है, तो हम उसमें क्या करेंगे डिस्पेयरिंग मैसेज ऑन रखेंगे। बहुत ही ज्यादा यूजफुल फीचर है दोस्तों ये। क्या होता है डिस्पेयरिंग मैसेज, मैं दिखाऊंगा। जैसे मेरे को गोविंद पे बिलीव नहीं है कि ये बंदा है कि मेरे को आगे जाके चीट ना करे, मेरे मैसेज को दिखा के कि हाँ भाई तूने मेरे से बात किया था मैं तेरे को ब्लैकमेल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो ऐसे में बचने के लिए क्या कर सकते हैं, आप लोग यहां पे प्रोफाइल में जाएं। प्रोफाइल में जाने के बाद यहां पे देखिए दोस्तों एक ऑप्शन
ऑप्शन दिख रहा होगा डिस्पेयरिंग मैसेज, ये क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे टैप करेंगे, उसके बाद चार ऑप्शन दिख रहेगा इसमें, एक 24 आवर, एक 7 दिन, एक 90 दिन, एक ऑफ। 24 आवर मतलब मैं अगर क्लिक करके रखूँ, जो भी मैंने बात किया कन्वर्सेशन, जो भी चैट्स किया हम दोनों ने, वो 24 घंटे बाद दोनों के फोन से डिलीट हो जाएगा, ऑटोमेटिक सामने वाले के फोन से डिलीट हो जाएगा, उसके पास कोई मैसेज ही नहीं बचेगा। डिस्पेयरिंग मैसेज बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसका इस्तेमाल खासकर वो करें जो मिम्बा मिम्बी मतलब आजकल प्यार की मोहब्बत की बातें करते हैं, वो इसका इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि उनसे आगे धोखा हो सकता है। तो यार ये फीचर कैसी लगी कमेंट जरूर करें यार, मुझे बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा क्योंकि मैं खासकर जब किसी से बात करूं तो डिस्पेयरिंग मैसेज ऑन रखूंगा, जिससे मुझे बिलीव नहीं है। चलिए फीचर्स नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा मुझे, खासकर मेरी प्यारी सी बहनों के लिए। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी को फोटो सेंड कर रहे हैं, ठीक है, हमें बिलीव नहीं है उन पर कि भाई वो मतलब फोटो को रखना ले यार, फिर बाद में ब्लैकमेल व्लैकमेल ना करे, कोई भी फोटो, एक फीचर्स ऐसा है जिससे आप लोग फोटो सेंड करोगे तो उसके बाद वो बंदा के पास फोटो बचेगा ही नहीं एक बार देखने के बाद। देखिए क्या करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पे जाने के बाद जैसे मैं इस गोविंद को कोई फोटो भेजना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, सिंपली कोई भी फोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा, फोटो सेलेक्ट कर लिया गैलरी से मैं, ठीक है, ये वाला फोटो सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने से पहले, भेजने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो एक का ऑप्शन आ रहा है हमको क्या करना है, इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद अब हम ये फोटो सामने वाले को भेज सकते हैं बिंदास होके। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद कुछ इस तरह हमारा फोटो जाएगा, देख सकते हैं। ये क्या करेगा, हम बोल देंगे भाई हमने फोटो भेज दिया आप देख लो, तो वो यहाँ पे टैप करेगा। टैप करने के बाद सिर्फ एक बार देखेगा, उसके बाद जब भी बैक करके दोबारा देखने की कोशिश करेगा तो फोटो उसके में से डिलीट हो चुका होगा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा है मुझे यार, खासकर जब उन बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो मतलब फोटो सेंड करते हैं बहुत ज़्यादा, तो यार अपने फोटो को संभाल कर रखो, प्राइवेसी है फोटो यार, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल था। तो इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं 2022 में, इसका इस्तेमाल सभी कर सकते हैं, ये फीचर्स आपको पूरे लाइफ टाइम काम आने वाला है मेरे प्रिय भाइयों एंड बहनों। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने बताया 4 ऐसे फीचर्स जो आपके पूरे लाइफ टाइम काम आएगा। अगर आपको लोगों को जरा सा भी यूजफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपनी प्यारी सी फैमिली मेंबर्स के पास, जिससे उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। और कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो टेक्निकल गोविंद इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मुझे, आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे मैं ऐसी कोई भी वीडियो लाए तो आप लोग मिस ना कर पाए। और वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करके सपोर्ट करें अपने छोटे से भाई को। चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, वंदे मातरम।